दोस्तों सैमसंग ने रिसेंटली में सैमसंग गैलेक्सी A01s इंडिया में लॉन्च किया था और अब नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जो है सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर। इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया जा चुका है और सैमसंग का ये ब्रांड काफी किफायती एंड्रॉयड गो एडिशन हेडसेट और जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ इसे इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कीमत और सेल को लेकर। तो सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर की इंडोनेशिया में दो स्टोरेज ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 16GB इंटरनल स्टोरेज और 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। फोन इंडक्टरी ऑफर के तहत 23 जुलाई तक IDR लगभग 5000 रुपये की सेल में खरीदा जा सकता है। वहीं 24 जुलाई से इस हेडसेट को 5600 रुपये में बेचा जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर को ब्लू, ब्लैक और रेड रंग में मौजूद कराया गया है। वहीं फिलहाल इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कंपनी की तरफ से भी कोई सामने जानकारी नहीं आई है। इसे इंडोनेशिया के अंदर 5000 रुपये में सेल के अंतर्गत और 24 जुलाई के बाद से 5600 रुपये में सेल किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर भी 5500 से 6000 के बीच इसको लॉन्च किया जाएगा। बात करें सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर की स्पेसिफिकेशंस की, तो सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर जो है वो एंड्रॉयड गो एडिशन फोन में आपको 5.3 इंच का HD+ TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन जो है वो 1.5 GHz की क्वाड कोर प्रोसेसर मौजूद है। वहीं ये फोन 1GB रैम, 16GB इंटरनल या 32GB इंटरनल तक की स्टोरेज के साथ आता है। फोन की स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी A01 कोर में आपको 2.2 अपर्चर वाला 8MP का रियर कैमरा, 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इतना ही नहीं, सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर में आपको पावर बैकअप के लिए 3000mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी को लेकर कंपनी का दावा है कि 17 घंटे का 4G टॉक टाइम देगी। कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको माइक्रो USB पोर्ट, वाईफाई, BGN, ब्लूटूथ 5, 3.5mm ऑडियो जैक, GPS, ग्लोनोस हैं। इसके अलावा बता दें कि मार्च में गूगल ने अपने एंड्रॉइड गो यूजर्स के लिए कैमरा गो ऐप को लॉन्च किया था। गूगल के इस कैमरा ऐप का सबसे बड़ा फायदा हुआ एंड्रॉइड गो एंट्री वाले स्मार्टफोन को। यहाँ पे इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। वहीं एंड्रॉइड गो एडिशन को कंपनी ने कम कीमत वाले फोन के लिए साल 2018 में पेश किया था। वहीं अब सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है जिसे जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होने की उम्मीद है।